अधिकारियों तमाम हमारे बैठक में साथी आए हुए हैं, महाराजगंज जनपद के सम्मानित नागरिकों, अभिभावकों, संरक्षकों, छोटे हैं, बड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, उपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं, उनकी भी मंच से भावनाएं जुड़ी हैं, तब भी भावनाएं नहीं जुड़ी हैं, तब भी इस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के नए संगोष्ठी में उनका हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप सभी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। आप सभी को पता होगा कि आचार संहिता लगने के बाद से आप सभी की समस्याएं बढ़ चुकी हैं, जिसको लेकर अभी भी संगठन पूरे प्रयास में है। आप सभी की समस्याओं को देखते हुए आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बहुत ही बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और उस आवेदन में जो इंटर हाई स्कूल को प्राप्त करके आया था, उस व्यक्ति का चयन हुआ, चयन गांव पंचायत से ही नहीं हुआ, तमाम लोग जब हम लोग आए 2001-2002 में तो कहते थे इसको हटाए दीजिए ना, पीछे ले जाइए इसको, आए इसको पीछे ले जाइए, मान पाएगी तो मान दीजिए। ये चलता रहेगा, लोग कहते थे प्रधान लोग अध्यापक जा रहे हैं, तमाम लोगों को सरकार ने इस बात का भान भी नहीं होने दिया, इन्होंने स्नातक किया है, इन्होंने 2 वर्ष बीटीसी किया है, इनके पास 60-70 हजार लोग भारत के राजपत्र के सारे मानक को पूरा करते हैं, वो टेट भी हो गए हैं, और वो टेट और सुपर टेट जब शिक्षा मित्र आया था तब लागू नहीं था। उस समय विद्यालय में लाले थे अध्यापकों के, हमने ताला खोला, हमने विद्यालय को सजाया, इस समाज के गरीब वंचित शोषित पीड़ित दलित के बच्चों को ला करके विद्यालय में भरने और विद्यालय को चलाने का काम किया। जब हमने विद्यालय चला दिया तो आपने भर्तियां शुरू कर दिया और शिक्षा मित्रों को आप ढूंढ फिर हमारी लड़ाई हुई, हमको कोई फ्री में कुछ नहीं दिया था, हम संघ